गंगा जी से चले हैं जी, हम हरिद्वार के नीचे से गढ़मुक्तेश्वर से जी नाव लेकर चले हैं और नाव से चलते चलते जी धीरे 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 गंगा सागर पहुँचे हैं। गंगा सागर तक, गंगा सागर मतलब हरिद्वार से लेके पश्चिम बंगाल तक की हाँ, यात्रा लंबी की है। हाँ, गंगा सागर जी, फिर वहाँ से वापस आए यहाँ जी नाव से ही जी। आते आते धीरे धीरे आते आते जितनी नदियाँ रास्ते में मिली हैं, जैसे गोमती है और सरजू जी हैं, इनसे जहाँ तक आगे जाने का रास्ता मिला है वहाँ तक गए हैं, फिर आए जी, फिर आगे ये दरिया में मिले, फिर आगे बढ़े। अच्छा, इसी तरह से चलते रहे, बार भटकना भी पड़ गया। हाँ 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 जी जी। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा मैया की कृपा से हो रहे हैं। अनवरत ये यात्रा संतों की लगातार चल रही है, महान और त्यागी संतों के दर्शन हो रहे हैं, आप सबको आशीर्वाद मिल रहा है। मैं संत महात्माओं के सानिध्य में आता हूँ तो मुझे भी आशीर्वाद मिलता और अभिभूत हो जाता हूँ जब संत महात्माओं के त्याग, समर्पण और कठोर साधना के बारे में मुझे जानकारी मिलती है तो आंखें रो पड़ती हैं, आंखों में आंसू आ जाता है, हृदय तो बहुत रुदन करता है, हृदय को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कठोर साधक हैं वृंदावन में, बहुत ही कठोर तपस्या इस वृंदावन में, यहाँ पर धाम में आकर संत महात्मा कर रहे हैं, जिनके बारे में जान पाना 100 जन्म भी अगर ले लें तब भी नहीं जान पाएंगे, तब भी बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत सारे संतों के दर्शन अमूमन जंगलों में और मठ में, मंदिरों में, यमुना जी के किनारे कराए हैं, लेकिन आज एक ऐसे महान संत के दर्शन मैं आप सबको करा रहा हूँ जिनको नाव वाले बाबा के नाते से जाना जाता है, उनके नाम से जाना जाता है, और साथ ही वो नाव पर उन्होंने 14 साल की लंबी यात्रा की है, यानी जल में ही 14 साल तक लगातार रहें, और बहुत लंबी यात्रा, बहुत लंबी दूरी तय की है, नाव पर ही वो लगातार अनवरत चलते रहे, नाव वाले बाबा के नाम से वो पूरे वृंदावन में, पूरे भारतवर्ष में विख्यात हैं। और आप इस समय देख रहे होंगे कि मैं उन्हीं बाबा जी की नाव में सवार हूँ, और आप देख रहे होंगे ये ऊंचाई अगर देखें यहाँ से नीचे तो एकदम यमुना जी के किनारे, ऐसे लगेगा कि ये बस थोड़ी दूर और आगे बढ़ आएंगे तो यमुना मैया दिखाई देंगी, और ये नाव जो है ऐसे लग रही है कि अभी हिलोरे मार रही। अगर नाव में आगे देखेंगे तो कैसे मोटर फिट हुई थी, कैसे बाबा जी ने यात्रा तय की, कैसे आए और कैसे 14 साल तक लगातार महाराज जी जल में रहे हैं और नाव पे ही यात्रा करते रहे, उन सब की बहुत ही भक्ति से भरी और रोमांचक यात्रा है। उन सब के बारे में बस महाराज जी के पास मैं चल रहा हूँ, उनका दर्शन कराऊंगा और फिर सारी कथा, सारी कहानी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत वंदन। बहुत मेरा सौभाग्य है कि मैं आप तक पहुंच पाया हूं और आपका दर्शन हुआ है और आपके सानिध्य में बैठने का मुझे मौका मिल रहा है। 14 वर्ष की का वनवास तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने काटा बन बन भटके, और कैसे भाव आ गया कि 14 साल तक लगातार जो है जल में रहना और जल में रहकर जो है बस विचरण करना जी। यही भाव था भगवान राम जब 14 वर्ष जंगल में रहे हैं तो उसी का लक्ष्य लेकर के मन में भावना उठी कि हम भी जल में रहेंगे 14 साल जी। इसी यही विचार से 14 साल जल में, जहाँ से गंगा जी निकली हैं वहाँ से चले हैं जी, और गंगोत्री से यमुना जी तो निकली हैं, यमुना जी में यात्रा की नहीं, अच्छा। गंगा जी में। अच्छा, गंगा जी में। हाँ, गंगा जी से चले हैं जी, हम हरिद्वार के नीचे से गढ़मुक्तेश्वर जी। हाँ हाँ, गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर से जी नाव लेकर चले हैं और नाव से चलते चलते जी धीरे 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 गंगा सागर पहुँचे हैं। गंगा सागर तक, गंगा सागर मतलब हरिद्वार से लेके पश्चिम बंगाल तक की यात्रा लंबी की है। हाँ, गंगा सागर जी, वापस आए हैं, फिर वहाँ से वापस आए हैं यहाँ नाव से ही
आते आते धीरे धीरे आते आते जितनी नदियाँ रास्ते में मिली हैं, जैसे गोमती है और सरजू जी हैं, इनसे जहाँ तक आगे जाने का रास्ता मिला है वहाँ तक गए हैं, जैसे अयोध्या जी तक, अयोध्या से थोड़ा और आगे पहुँचे हैं, फिर रास्ता नहीं मिला आगे, फिर वापस आ गए हैं। अयोध्या से रास्ता नहीं मिला? नहीं, फिर आगे जलकम है, सरजू जी में, सरयू जी में। हाँ, फिर वापस आए हैं जी, और फिर आके नहीं तो ये यात्रा तो सीधे फिर प्रयागराज की तरफ गंगा जी जा रही है। हाँ, तो अयोध्या मुड़ गए थे। हाँ, मुड़ गए, फिर आए जी, फिर आके ये दरिया में मिले, फिर आगे बढ़ गए। अच्छा, इसी तरह से चलते रहे, बार भटकना भी पड़ गया। हाँ 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 जी जी, फिर आगे जी। चलते चलते मिल गए गोमती नदी। गोमती नदी, तो गोमती से हम सब अच्छा लखनऊ होते हुए जी निमसारण पहुँचे हैं। निमसारण राजघाट में 6 महीना तक वहाँ रुके रहे जी। ललिता देवी की कृपा से वहाँ बहुत आनंद मिला, उनके बहुत दर्शन संतों के और भक्तों के मिलते रहे, बड़े आनंद से वहाँ 6 महीने तक रुके रहे जी। और उनकी कृपा से फिर वापस चले आए यहाँ। फिर धीरे धीरे आते आते फिर धीरे धीरे आ गए यहाँ जी वृंदावन। अच्छा, प्रयागराज आए, प्रयागराज से जमुना जी को पकड़ लिया, फिर गंगा जी छूट गई। अच्छा, गंगा जी छूटी, फिर जमुना जी से धीरे धीरे आते आते यहाँ जी वृंदावन आ गए। अच्छा अच्छा, वृंदावन में बंसी भट्ट में काफी दिन तक रुके रहे, वहाँ से फिर लोगों का विचार हुआ कि कुछ साधु आए हैं जमुना जी में, बंसी भट्ट में रुके हुए हैं, इनको ले आए तो इस मंदिर के शोभा बन जाएगी, मंदिर के सुरक्षा हो जाएगी। भतरोड़ जी, भतरोड़ बिहारी जी, 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 जी। तो यहाँ तो बुला नाव फिर उस समय कहाँ रखे थे? अच्छा, नाव वही घाट पे लगी रही। अच्छा, यमुना जी के किनारे, यमुना जी के किनारे लगी रही। जब हम सब यहाँ रहने का विचार कर लिया जी जी, तो फिर नाव क्रेन से उठवा करके। अच्छा, क्रेन से उठवा कर इतनी? हाँ, उठवा करके कोई यंत्र होता है उसमें जी 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 ला करके यहाँ उठा करके यहाँ रख लिया गया। दिखाइएगा कितनी ऊपर नाव है, जरा नीचे देखकर देखेंगे तो बहुत ऊपर नाव है, बहुत ऊंचाई पर लाई गई है मुझे। अच्छा, तो महाराज जी ये कैसे बना, नाव तैयार की गई, कैसे मन में आया कि गढ़मुक्तेश्वर से यात्रा शुरू करेंगे और चल देंगे? ये गुरु जी का ये गुरु जी का संकल्प था कि हम गंगा जी का परिक्रमा करेंगे। अच्छा, तो गंगा सागर से पैदल चले हैं, पैदल चलते चलते गोमुख तक गए हैं गुरु जी। गुरु जी, अच्छा, साथ में हम भी थे। पूजनीय गुरु जी का नाम दामू जी। हाँ, पूजनीय नाम तो दामोदर जी है जी, जी। और फिर वो इसके बाद नाव में चले, तब से नौका वाले बाबा कहे जा रहे हैं जी, जी, जी। तो पैदल गोमुख तक पहुँचे। हाँ, पैदल जी जी, फिर गोमुख उधर से फिर वापस आए हैं, तो हरिद्वार से नीचे, हरिद्वार से नीचे, हरिद्वार तक तो वहाँ पत्थर लुढ़कते हैं दरिया में, वहाँ तो नाव के तो नाव वहाँ चलती नहीं, तो उसके नीचे एक एक स्थान कोई ब्रजघाट पड़ता है जी जी, ब्रजघाट से नाव बना करके। अच्छा, भक्तों ने बना दिया है नाव, कि इस नाव से जाइए, आपको अच्छा गंगा सागर जाना है। अच्छा, तो नाव से जाइए जी 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 जी। तो उस समय आप भी साथ में थे? साथ ही थे हाँ जी, जी। हम ही चलाते। इतनी उम्र होगी महाराज जी अब? नहीं, उस समय, उस समय तुम्हारी 52 साल की उम्र, 52 साल की। तो इस समय तो 90 साल की। हाँ, 90 से नाग रहे हैं। तो महाराज जी ये मन में नहीं आया कि इतनी लंबी यात्रा, और चूंकि नाव से कैसे पूरा करेंगे, जल में कब तक रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? साधु के लिए सब कुछ गणना नहीं लगाई जाती है, गणना नहीं लगाई जाती है। कब तक हमारा जीवन रहेगा जी, कैसे जीवन पार होगा, ये कुछ नहीं, ये सब ईश्वर के हाथ सौंप दिया जाता है जी। वे जहाँ ले जाएं, जब तक रखें, जैसे रखें, उसी तरह रहना है और उसी में आनंद लेना है, लेना है, लेना है।
तो जो उत्तराखंड के रास्ते से नाव से जब चले हैं तो गंगा सागर कितने महीने कितने साल में पहुंचे होंगे? ये नहीं, ये हमको आंकड़ा नहीं है जी जी जी, पर ये कि इतने साल तक वहाँ रहे, 14 साल तक रहे, आने जाने में सब 14 साल लगा, पूरा 14 साल लगा। जैसे रास्ते में महाराज जी जाते रहते थे तो लोग देखते थे, रोकते थे, कहीं घाटों पे विश्राम करते रहे होंगे। हाँ जी, हाँ हाँ, कई जगह पर जी रुक करके, कहीं कीर्तन का, कहीं भंडारा का, कहीं यज्ञ का अनुष्ठान हुआ है जहाँ तहाँ जी जी, तो इसी तरह बिताते हुए समय को जी, तो कई घंटे तक दिन में नाव चलती रहती थी महाराज जी, जैसा मौसम होता था वैसे चलती। हाँ, उसे चलती, कोई नियम नहीं था कि इतने घंटा चलना है जी। हाँ, कोई ऐसा नियम नहीं था कि इतने समय पर हमें यहाँ रुक जाना है, वो तो जहाँ भगत जगत आ गए और आग्रह किया हाँ हाँ, कि यहाँ रुक जाइए और यहाँ कुछ उत्सव होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए कि कीर्तन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो रुक जाते थे जी, एक दिन, दो दिन, चार दिन, हफ्ता भर रुक जाते थे इस तरह से जी। तो वो चलाते चलाते चप्पू बोलते हैं ना महाराज जी, चप्पू जो ये खेते हैं वो लगाते हैं, मतलब नाव जिसे चलाते हैं, तो वो हाथ नहीं, वो थकता था, हाथ भर जाता होगा लगातार अनवरत जी, कुछ नहीं, सब जी चलते थे जी जी, हाँ चला करते थे, और उसे डांड बोलते हैं हाँ, हाँ। डांड से खे करके उसे ले जाया करते थे, ले जाया तो थे। तो कई बार तो बारिश आरिश के समय भी, बाढ़ आड़ के समय में तो बड़ा खतरा हो जाता होगा महाराज। हाँ, खतरा तो उसमें हर घड़ी है, हर जल में है। हाँ, हर घड़ी खतरा है, कब पलट जाए ना, हो कुछ ठीक नहीं रहता था जी, जी, जी। पर तो हम लोगों का तो जीवन सौंप दिया सारा जीवन तो सौंप दिया ईश्वर के हाथों में, ठाकुर जी को, हाँ, को। हाँ, तो चाहे जितने देर डूब जाए और चाहे जितने देर कुछ भी हो जाए, कोई फिक्र नहीं रहती जीने का, कि हम कितने दिन अभी जिए, ये कोई फिक्र नहीं रहती थी जी, जी। तो यात्रा होती थी, नहीं तो सब कोई नहीं कर सकता है, नहीं नहीं जी 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 जी, वहाँ तनिक भी भंवर में फंस गया ना, बड़ी कोशिश कर रहे निकालने का जी, और नहीं, हाँ तीसरे चक्कर में निकल पाई है, तीसरे चक्कर में, हाँ उसी में इसे घूमती रही, और डांड से कोशिश कर रहे हैं कि इसे निकले बाहर जी, पर एक बार घूम आई नहीं निकल पाई, दोबारा घूम आई नहीं निकल पाई, तीसरा घूम के फिर निकल पाई। और भंवर में अगर एक बार नाच जाती तो खतरा ही रहता है, हाँ खतरे हमेशा खतरे, रात में एक बार आ गया इतना जोरदार तूफान जी कि महाराज तो नाव पर बैठे थे, हम नीचे झोपड़ी बना कर बैठे थे जी, फिर इतनी जोरदारी से तूफान आया कि महाराज तो कहा कि महाराज उतर आइए नाव से, नाव डूब जाने दीजिए जी, परंतु एक आवाज़ लगा के महाराज कुछ बोले ना, तो फिर याद आया कि उसमें तो ठाकुर जी भी हैं, आपने बोला, हाँ हमें बोला कि ठाकुर जी भी तो है, डूबेगी ना हो तो महाराज भी डूबेंगे और ठाकुर जी भी, अरे तो अब कुछ नहीं करना, अब जो इनकी इच्छा हुई सो होगा। ओहो, रात भर अच्छा, तो महाराज जी भी नहीं आए वापस? हाँ वापस नहीं हुए, हम बैठे रहे जी जी, खड़े रहे बैठे रहे, हो जाएगा अगर जाएगी ना हो तो जाने दो, जाने दो जीवन जाए, ठाकुर जी साथ में, ठाकुर जी को नहीं छोड़ेंगे ठाकुर जी, हाँ इस तरह से समय कटता था जी 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 जी। तो महाराज जी मतलब गुरुदेव जो थे नाव वाले बाबा जी, वो नाव छोड़ते नहीं थे? नहीं, नाव नहीं, पूछा नाव पर ही रहे, नाव पर हमेशा ही रहते थे, आंधी तूफान बारिश हाँ चाहे जो हाँ कुछ भी हो जी। तो उस समय तो महाराज जी ये ऊपर का टीन सेट भी नहीं होगा, क्योंकि साधारण सी नाव होगी उस समय, हाँ कुछ हल्की थी हाँ। अच्छा थोड़ा बहुत था, हाँ हाँ तो बना रहा यहाँ से, और यहाँ से पीछे खुला रहा है, इंजन खुला रहा, अच्छा बाकी टीन बैठने भर की बनी थी, अच्छा अच्छा बैठने भर की, बाद में भक्तों ने कहा कि नहीं पूरे में लगा दो, पूरे में लगा दो, हाँ पूरे में लगा दिया। तो किस जगह के भक्तों ने रोका और लगा दिया पूरा, प्रयागराज या फिर जो है नहीं बनारस काशी? ये तो हम वापस
आए हैं। अच्छा, वापसी में लगाया। वापसी में लगाया है जी, वापसी में आए हैं। कहाँ लगाया भक्तों ने, हमको याद नहीं। अच्छा, यही सवाल महाराज जी मेरे दिमाग में अब आ गया और मैं पूछना चाह रहा था। इधर से तो मान लीजिए बहाव है और बहते हुए चले गए, निकलती जाना ही जाना है, लेकिन गंगा सागर से लौटते समय का बहाव तो उल्टा है, तो उधर से फिर कैसे आए? उधर से भक्तों की महिमा है। उन लोगों ने कहा कि आप ऐसे कैसे जा सकते हो, तो गुरु जी ने कहा कि नाव किसी को दे देंगे, हम पैदल चले जाएंगे। गंगा महासागर तक आ ही गए। जी जी जी, हमारा नियम पूरा हो गया है, हम किसी तरह चले जाएं। कहीं नहीं, आपको जाना है तो जाइए, हम इसमें इंजन रख देते हैं। ओ अच्छा, किसी भक्त ने बोला? भक्त ने बोला है जी कि इंजन रख देते हैं जी, और उसी के सहारे आप बनवा देते हैं, उसी के सहारे आप जाइए। क्या जी, फिर क्या ले आया? किलोस्कर कंपनी है कोई है। हाँ, अच्छा, डबल पिस्टन का इंजन रख दिया है जी जी। 22,000 का उस समय मिला था, उस समय 22,000, उस समय 22,000 का, अब तो 52 का नहीं मिल सकता। हाँ, हमें ये कई साल पहले की बात होगी महाराज जी। अरे भी यही समझ लीजिए 25 साल ये लगा दीजिए, 14 साल आगे लगा दीजिए, इतने साल हो गए। 25 और 14 हो गए, इतने साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो फिर वो इंजन लगा? इंजन लगा दिया। अच्छा, पीछे पंखा लगा दिया। जी जी जी, देखिए स्टैंड बना दिया इसका। हाँ, हाँ, अच्छा, पर इसी को राजेश श्याम इसी को पकड़े बैठे रहे ना बस। जी जी, साधे रहते तो चलाते कौन थे, क्योंकि उस समय तो इंजन चलाना हम सब चला लेते थे। अच्छा, आप इंजन भी चला लेते? हाँ, इंजन तो चल रहा, केवल इसको पकड़े रहना है। जी जी जी, ऐसे ऐसे। अच्छा, कि जिधर को घुमाना, घुमाने के लिए बस। जी जी जी, और कोई चलाना नहीं। तेल पानी की व्यवस्था सब कर दिया था उन्होंने? हाँ जी जी, 100 लीटर तेल इसमें हमेशा रखा रहता था। 100 लीटर तेल? 100 लीटर। अच्छा, वो भगत जी ने ही दिया होगा जी। 100 लीटर से घटना नहीं चाहिए, घटना चाहिए। हाँ, उतना बना ही रहता था। अच्छा अच्छा, तो 100 लीटर तेल और इतना राशन बना रहता था कि अब क्या बताएं। 1,000 मूर्ति खाने का राशन इसमें भरा रहता है। 1,000 मूर्ति का? हाँ, अभी आपको दिखाएंगे इसको खोल करके कि किस तरह क्या क्या चीजें भरी रहती है। हाँ हाँ, देखेंगे, क्योंकि भक्त भी हमारे देखना चाहेंगे। हाँ। तो महाराज जी फिर उधर कई दिन से में वापस आ गए? ये कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा, इंजन से थोड़ा ये था कि आसान। हाँ, गया। बस चले आते थे। हाँ, सुविधा हो गई थी जी, और जी, कोई जी, ये नहीं था कि आए जाएं क्या। हाँ, करें, ये तो हम जैसे गृहस्थ या हम लोग। हाँ, दिन गिनना, साल गिनना, समय गिनना। हाँ, आप लोगों के लिए तो कौन सा दिन और साल गिनना? कुछ नहीं गिनना है ना, कहीं ये नियम था कि वहाँ पहुँचना है जी, ये भी कोई बात नहीं, जहाँ पहुँच जाए तहाँ पहुँच जाए। तो वहाँ खूब भजन कीर्तन हो जाया करता था। बहुत क्या क्या बोल क्या कहना है, जहाँ रुक जाते थे तहाँ अखंड कीर्तन हुआ करता था। ओहो, भंडारा अखंड चलता था। जी जी जी, राशन पानी ढेर लग जाता था। जी जी जी, जिसमें नहीं आता था तब किसी साधु की कुटी में पहुँचाते थे। अच्छा, इतना आ जाता था कि साधु ना? हाँ, अरे छह बोरा है लोग ले जाते थे गांव। हाँ, के लोग, कि संत लोग निकल रहे हैं। हाँ, नाव से निकल रहे हैं। हाँ, तो बस जो है। हाँ, अरे देख लिया है कि आ गए, बस कोई पूछना नहीं कि कहाँ लावे हम, क्या लाए, लाल आगे सब इकट्ठा करते। जी जी जी, तो महाराज जी ये यहाँ पे यमुना मैया के किनारे कैसे आए और फिर कैसे वृंदावन आ गए? जब वापसी आ रही थी नाव एकदम धड़ाधड़, क्योंकि मोटर थी एकदम तेज से चलती चली आ रही थी, तो यमुना मैया के किनारे कैसे आए और फिर कैसे जो है वृंदावन आ गए? अब इच्छा थी कि चलो वृंदावन चले। अच्छा, मन अब वृंदावन में कुछ समय रहें। जी जी जी, रहने के लिए विचार बना है गुरु जी का, बंसी बट में नाव लगा दिया और हमसे कहा कि जाओ देखो जी, कहीं थोड़ी भूमि मिल जाए, विवाद ना हो जहाँ जी, तो थोड़ी कुटी बना लें। हाँ हाँ, और कुटी बना के और थोड़ा समय तक रहे जी, जी। फिर किसी को दे देंगे, किसी भगत को। हाँ, और चल देंगे ना। अच्छा, तो हम लोग ये विचार किया है कि इधर से
ठाकुर जी की तरफ से ग्राम समाज से सब पहुंच गए लोग। अच्छा। कि आप लोग एक स्थान खाली पड़ा है वहाँ रहे। और वहाँ चल के देख लीजिए, अगर पसंद है वहाँ जो रह जाओगे तो स्थान की सुरक्षा हो जाएगी। सुरक्षा हो जाएगी जी जी, जी, जी। बस इसलिए आप जी, लोगों को हम आमंत्रित करते हैं जी, जी। और ऐसे पुण्य जगह पे आए जहाँ ठाकुर जी भात खा गए जी जी, ये तो मतलब धरती ही पुण्य हो गई। हाँ क्या कहने। अच्छा, फिर जब यहाँ आए होंगे रहने लगे तब भगत जगत लोगों ने कहा होगा कि अब नाव को भी नहीं जाने देंगे। नहीं अब तो जी जब नाव को नहीं, हाँ यहाँ जब आ गए तब लोगों ने कहा कि अब क्या करोगे नाव को जी। तो कहे भाई कोई साधु ही मिलता तब तो उसे दे देते जी जी, चलाता अपना जो भी करता है उनकी इच्छा की बात है जी, पर मल्लाह को नहीं देंगे। मल्लाह को नहीं देंगे क्योंकि वो यही बैठेगा, मछली मारेगा, काटेगा, तो ये सब ठीक नहीं। जितना पुण्य किया है अपराध लगेगा। हाँ तो इसलिए फिर विचार हुआ कि चलो इसको उठा के वहीं रख दो जी जी, रखा रहे जब तक रहेगा तब तक रहेगा जी जी, इसे उठवा के आकर यहाँ पर हुआ। तो नाव का फिर पूजन वूजन हुआ यहाँ पर। हाँ हाँ पूजन अभी तो रोज होता ही रहता होता ही है। इसका लोग परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। हाँ, इसीलिए इतना बना करके रखा गया है जी जी। हाँ सब भगत जगह जितने गुरु जी के हैं सब आते हैं तो इसका दर्शन करते हैं जी, और घूम करके जी 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 दंडवत करके चले जाते हैं जी। तो दोस्तों अभी महाराज जी से आपने सुना 14 वर्ष की लंबी यात्रा की महाराज जी ने नाव में रहकर और जल में ही रहकर, जल में ही रहते थे, और कितनी कठिन यात्रा थी, कितनी मुश्किल भरी यात्रा थी, और तमाम बार तूफान आया, आंधी आई और लगा कि अब जो है नौका पार नहीं होगी, लेकिन महाराज जी लोगों ने नौका छोड़ी नहीं, और इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि यहाँ पर साक्षात जो है ठाकुर जी विराजमान हैं। तो महाराज जी ने कहा कि ठाकुर जी मेरे अगर हैं तो हम उन्हें कैसे छोड़कर आ सकते हैं, गुरुदेव जी, गुरुदेव महाराज जो नाव पर थे। तो ये बातचीत तो महाराज जी की पूरी हुई नाव की यात्रा की। अब बहुत ही अगले पार्ट में रोचक कहानी लेकर, कथा लेके हम आ रहे हैं, पूरे नाव के दृश्य को दिखाएंगे, पूरे नाव में कैसे कैसे संचालित होती थी, क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें बहुत ही रोचक होने वाली है। तो अगले पार्ट में बस शीघ्र ही मैं आप सबको दिखाऊंगा कि इस पूरे नाव की स्थिति की कैसे बनी थी, क्या क्या नाव में हैं, और कहाँ कहाँ राशन रखा जाता था, कहाँ कहाँ सामान रखा जाता था, वो बहुत सारी जानकारी, और फिर महाराज जी का आशीर्वाद भी आप सब को दिलवाएंगे।